नमस्कार, मैं हूं रोशनी। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार से। निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर राफेल मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के दावों को झूठा साबित कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष अधिकतर समय चुपचाप रक्षा मंत्री को सुनते रहे। हालांकि बाद में उन्होंने कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण जरूर मांगा, लेकिन उनमें अधिकतर का जवाब सीतारमण पहले दे चुकी थी। राफेल पर कांग्रेस के सवालों का जवाब देते हुए सीतारमण राहुल पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि मुझे झूठा कहा गया, देश के वायुसेना अध्यक्ष को झूठा बोल दिया गया, एक सामान्य परिवार से आने वाले ईमानदार प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है। सच्चाई यह है कि हमारी निष्ठा अक्षुण है। उन्होंने कहा कि बोफोर्स ने कांग्रेस को डुबाया था, राफेल मोदी को दोबारा सत्ता दिलाएगी। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन झूठ बोल रही है। Later on it was expunged. Now, रक्षा मंत्री झूठ बोल रही है, प्रधानमंत्री चोर है, ये भी इस पार्लियामेंट में बोला गया। प्रधानमंत्री झूठे हैं, ये भी इधर बोला गया मैडम। So, if some people have thin skin and they get very sensitive about their names being taken, even I am sensitive, madam. I don't have a khandan to boast of. I come from ordinary background. I come from a middle class family. I come with my honor intact. Pradhan Mantri ji comes from a very low or poor economic background family. He has come up the hard way. His name is untarnished today. He is not corrupt and he has led a clean government. लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारियां कर रही है। इसी कड़ी में दिल्ली में बसपा सुप्रीमो मायावती व सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की मीटिंग हुई। सूत्र बताते हैं कि सीटों का बंटवारा तय हो गया है। इसमें दोनों पार्टियां 37-37 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। शेष बची सीटों पर गठबंधन में शामिल अन्य दलों को चुनाव लड़ाने का मौका दिया जाएगा। गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 95 लाख रुपए मूल्य के सोने के देश में तस्करी करने की कोशिश के आरोप में सीमा शुल्क अधिकारियों ने एयर इंडिया SATS के एक कर्मचारी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एक अधिकारी बयान में बताया गया कि एक यात्री को मंगलवार को बैंकॉक से यहां आने के बाद रोका गया। उसकी अगले दिन अहमदाबाद जाने की योजना थी। सीमा शुल्क विभाग द्वारा जारी बयान के अनुसार यात्री के सामान की जांच करने के बाद पाया गया कि उसके चेक इन सामान का वजन 8 किलोग्राम था, जबकि बैग के टैग पर यह 11 किलोग्राम लिखा था। विस्तृत जांच में पता चला कि एयर इंडिया SATS के कर्मचारी ने यात्री के बैग से 1-1 किलोग्राम की 3 सोने की छड़ें निकाल ली थी। बारा डिपो की रोडवेज बस को कोटा होती हुई जयपुर की ओर जा रही थी, तभी कोटा से बूंदी प्रतिदिन आने जाने यात्री कोटा बस स्टैंड से बस में बैठे ही थे, लेकिन परिचालक ने यात्रियों को कोटा से कुछ दूरी पर ही बीच रास्ते में उतार दिया, जिसे यात्रियों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया और उन्होंने जमकर बवाल काटना शुरू कर दिया। किसी तरह यात्री दूसरी बस से बूंदी पहुंचे और बूंदी बस स्टैंड पहुंचने के बाद कंडक्टर से झड़प हो गई, जिसके बाद कंडक्टर ने महिला की मदद से यात्रियों पर छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। मामला बढ़ता देख पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस ने कोई खास कार्रवाई नहीं की है। नसीराबाद में नगर के आसिफ इकबाल को मानवाधिकार महासंघ का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। नगर के सैकड़ों युवाओं ने कार्यालय पहुंचकर आसिफ इकबाल का माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। वहीं आसिफ इकबाल ने बताया कि समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, उत्पीड़न, शोषण, भय, आतंक और मानवाधिकार हनन जैसी जघन्य घटनाओं पर कड़ी नजर रखने के साथ ही शासन प्रशासन को घटनाओं से अवगत कराते हुए उनके सहयोग से पीड़ितों को न्याय दिलाने में सहायता करेंगे। मेरा स्वागत किया है उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मानवाधिकार संघ का जो उद्देश्य है, मानव सुरक्षा, उत्पीड़न, भ्रष्टाचार के खिलाफ जहाँ भी मानवाधिकार को हनन होता है, मुझे अनिरुद्ध यादव जी ने ये जिम्मेदारी दी है जो राष्ट्रीय संस्थापक हैं, और मैं उसका पूरा निर्वहन करने की कोशिश करूँगा। और जहाँ तक हो सका, जहाँ कहीं भी मानव अधिकारों का हनन होगा, वहाँ हम कड़ी नज़र रखेंगे और मजबूती से इसके